शिक्षकों की कमी है, बच्चे की संख्या ज़्यादा है, कुछ विभागीय कार्य भी रहते हैं जिसमें पूरी तौर पर वो उस कार्य में सफल नहीं हो पाते। शिक्षण विधि को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, रुचिकर कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, पौराणिक विधियों को छोड़ने की आवश्यकता है, उसके जगह पर नई नई जो विधियाँ ईजाद हो रही हैं शिक्षाविदों द्वारा उसको अपनाए जाने की आवश्यकता है। हम लोग जो लेसन प्लान करते हैं उसमें मैथ, हिंदी और बाल गीत एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होता है, और हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें हम लोग कोई भी कुछ भी जो हमको सिखाना रहता है वो खेल के माध्यम से पढ़ाना रहता है। बच्चा भी खेल खेल में कुछ सीख लेता है। 1-2 के बच्चे तो खेलने लायक ही हैं, और उन बच्चे को जब खेलने की चीज़ मिलती है तो खुशी से पढ़ लेता है और वो अच्छी अच्छी बातें को सीख लेता है। लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, और लर्निंग प्रोसेस में बदलाव का इम्पैक्ट तो ज़रूर बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि जब आप कोई प्लान लेकर के कहीं जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट और बिना प्लान के आप कहीं जाते हैं दोनों का इम्पैक्ट में बहुत फर्क पड़ता है, तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी सुधरा है। आगा खां फाउंडेशन के जो भी शिक्षक हैं विद्यालय में वो बच्चों के शिक्षण कार्य के साथ साथ समुदाय में भी जाते हैं कि जो बच्चा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। यदि उसके माता पिता शिक्षा के प्रति अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा तो उनको समझाना, बच्चे के शिक्षा के महत्व को बताना और फिर समझा के उस बच्चे को पुनः विद्यालय में उपस्थित कराना, ये उनका सराहनीय कार्य होता है। दलित महादलित बस्ती के जो बच्चे थे पहले विद्यालय नहीं आते थे, कि जब से ये संस्था उस क्षेत्र में काम की है बच्चे उधर से भी निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर एक ललक है पढ़ने का। पहले SMC मेंबर को बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, वो इतना एक्टिव नहीं होती थी, वो सोचती थी कि स्कूल है बुला रहा है जाएंगे कभी जाएंगे आएंगे, लेकिन आगा खान के जाने से वो इनके सहयोग से वो एक्टिव हुई, उनसे जानकारी ली कि मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में क्या होना चाहिए, उसमें उनकी जागरूकता बढ़ी। हर स्कूल में अलग अलग SMC कमेटी बनी हुई है, कहीं 10 हैं कहीं 12 सदस्य हैं। SMC के साथ हमने काफ़ी ट्रेनिंग की है, SMC को सशक्तिकरण करने पर हमने काम किया है SMC के साथ। पहले तो निकल नहीं पाते थे, सासू माँ कहती थी कि नहीं जाना है, कहाँ जाएगी तू, नहीं घर में रहो, कि नहीं हम तो जाएंगे क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाना है, बच्चे लोग पढ़ेगा आगे, हम नहीं पढ़े हम नहीं कुछ सीखे, लेकिन बच्चा लोग को तो सीखना है, बच्चा लोग को तो पढ़ना है आगे बढ़ना है। इनके विद्यालय में आने के बाद जो मेरे 13 विद्यालय में इनके शिक्षक कार्यरत हुए तो वो अंतर मैंने देखा। इनका जो प्रशिक्षण है, इनका जो सोचने का तरीका है, बच्चों के डेवलपमेंट में जो इनका एंगल है वो अलग दिशा की ओर है, जो कि बच्चों के विकास में वो सहयोगी प्रदान कर रहा है। मुझे लगता है कि आपने जो शुरुआत की है और जिसे स्वीकार किया है बच्चों ने भी, पेरेंट्स ने भी, शिक्षकों ने भी, तो नहीं रुकेगा, रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकेगा, हम विश्वास से कह सकते हैं कि वो नहीं रुकेगा।